सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग्स। तो गाइस आज फाइनली हम जा रहे हैं भाई ड्यूक के साथ घोस्ट हंटिंग करने। वैसे तो हम कुएं पे जाएंगे ही, मेनली हम जाएंगे भाई सुरंग पे जहाँ पे पिछली बार अधूरा छोड़ के आए थे। डाउट हो रहा है कि भाई वहाँ पे कुछ हो सकता है, तो रेडी हो भाई सारे? बिल्कुल रेडी। चीनू जिद कर रहा है जाने की पर चीनू नहीं जा रहा। गाइस हमारी इन्वेंटरी भी पूरी तैयार है, तीन तीन तो लाइट लेके जा रहे हैं वहाँ पे। मेरे को ना भाई डाउट हो रहा है सुरंग के वहाँ कोई दिक्कत हो सकती है। चाची ना भाई पूजा करके आई है, अभी चाची भी सब कुछ बता देगी अगर कुछ होगा तो वहाँ पे। गाइस ये देखो गाइस कल हम छोड़ के जा रहे हैं। ये कह रहा भाई रिया को ना मेरे पास ही छोड़ जाओ, रोने लग गया। बता तू घर पे रह, चिकी का ध्यान रख, चिकी सो रही है अभी। बड़ा भाई होने का फर्ज निभा कार्तिक भाई। So guys, अभी हम ड्यूक को बाहर निकाल रहे हैं। हाँ ड्यूक। और भाई ओ भाई so guys, ड्यूक भी आ गया है। और ये देखो भाई ड्रैगन भाग रहा है। ड्रैगन को अंदर कर जल्दी से। ड्रैगन क्यों भाग रहा है भाई? ये कह रहा मुझे भी लेके चलो। ड्रैगन कह रहा मेरे को भी लेके चलो। जैसे चीनू रो रहा था ना वैसे वो रो रहा। उसके साथ ना इंसाफी है। So guys, यहाँ पे ना भाई कुत्ते रोने लग रहे हैं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आज ना भाई अंधेरी रात है, कुछ भी नहीं दिखने वाला बिना लाइट के। वहाँ पे रास्ता ही भटक सकते हैं रात में आराम से। ड्यूक देखो सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, सारे कुत्ते पीछे पड़ गए ड्यूक के पास। कोई भी नहीं आ रहा, सब भोंके जा रहे हैं। देखो सो गाइस ये देखो भाई ड्यूक ना भाई बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। ओ भाई ये देखो भाई जंगल की एंट्री आ गई है। ओ भाई पूरी अंधेरी रात है यार, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखो भाई जंगल की एंट्री पे आते ड्यूक कैसा हो गया, पूछना बिल्कुल भी नीचे नहीं हुई भाई, पूछ हिला रहा पूरी। ओ भाई ओ तो गाइस ये देखो भाई रिया के पैर में कांटा घुस गया। क्या हो गया रिया, ज्यादा जोर के लग गया? क्या दिख गया इसको? दूसरा ड्रामा तो भाई ये लग रहा है। क्या हो रहा है, ये तो भौंके जा रहे थे। भाई भूसे डर तो इससे लग रहा है, अटैक के मूड में हो रखा, पूरा शिकार के मूड में। So guys, ये लाइट देखो भाई कैसी है। ये देखो भाई पूरी आसमान में जा रही है लेजर लाइट की तरह, ये ऐसा लग रहा है तलवार है भाई हवा में। वो ज्यादा ऊपर तक जा रही है, वो दूर तक जा रही है, सारे घरों तक जा रही है। तो भाई अभी ना बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही है, ये लाइट ना बिल्कुल कुएं तक जाके लग रही है। सामने कुआ है भाई, बिल्कुल पानी भरा हुआ है, कीचड़ भी चढ़ा है यहाँ पे। तो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, जो रास्ता हमने पिछली बार ढूंढा था। यहाँ पे ध्यान से कुछ भी झाड़ियों से निकल के आ सकते हैं। ओह सो गाइस यहाँ पे ना भाई दो रास्ते आ चुके हैं। जब से बाबा जी ने वहाँ पे चीज ना दिखाई है वहाँ पे कुछ था। जब से बाबा जी ने हमें वहाँ पे बताया था ना कि वो सामने कुछ है, तब से भाई डर लग रहा है यहाँ पे जाने में। देखे जाएगा जो होगा चलेंगे। चाचा रिया को क्यों पकड़ा रहे हो, रिया को ड्यूक खींच के ले जाएगा? ध्यान से पकड़ियो ठीक है, कभी खींच ले जाए तेरे को। तो गाइस ये ना भाई कुएं का रास्ता आ गया है। ये देखो भाई सामने कुआ है। पहली बार आया हूं फिर भी डर लग रहा है। ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्यों दिख रहा है? तो सीधा रास्ता था ये, आज ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लग रहा है हमें। यार मैं क्या लग रहा है वो रास्ता कुआ आ गया। सो गाइस फाइनली भाई कुआ आ गया है, थोड़ी देर बहुत दूर रहोगे। गाइस अभी ना मैं चाचा सामने जा रहे हैं, आगे का माहौल देख के आ रहे हैं। ड्यूक को भाई एकदम नहीं लेके जा रहे, अगर ड्यूक को कुछ दिख गया ना संभाल में नहीं आएगा और बस छुड़ा के भाग जाएगा। कुछ भी हो सकता है यहीं पे। रियो रिया ओ ड्यूक भी आ गया। ओ तू साथ में ओए ड्यूक भाग गया। ड्यूक ना भाई रिया से छुड़ा के आ गया कुएं की तरफ। क्या हो गया रिया? छोरी का लग गई। ज्यादा लग गई और जोर के गिरा दिया। लग गई ले पानी पी ले, पानी पिला इसको। गाइस रिया के साथ तो भाई बहुत बुरा हो गया। तूने पकड़ा क्यों रिया इसको? रुक जा खड़ी हो जा भाई, रिया वापस जाने तो बता दियो। कुछ भी गलती होती है ना तो भागने के लिए दिशा तो सबको अच्छी है। साथ में रहियो भाई ठीक है, टॉर्च ले रहे हो ना? तो गाइस देखो भाई चील घूमने लग रही है आसमान में। ओ ड्यूक की क्या हो गया, ये व्हाइट व्हाइट क्या घूमने लग रहा है? ओ भाई तो गाइस देखो भाई हमारे ऊपर ही घूमने लग रही है। गायब हो गया, वो गायब हो गया। सर में दर्द होने लगा यहाँ पे आते ही। ये बंदे का वही है। सो गाइस ड्यूक ना भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत भूख रहा है, मतलब सामने जो पेड़ वगैरह है इनकी तरफ ही देखे जा रहे हैं ड्यूक। हमें ना भाई ये पेड़ सारे पार करके जाने, बिल्कुल एंड में जाना है सुरंग की तरफ। ओ भाई वो भाई सो गाइस देखो भाई ड्यूक ना भाई पेड़ों में भागे जा रहे हैं। ओए दादा रुक जाओ, वहां मत जाओ, अकेले मत जाओ, तेज मत भागो, दादा खू जाओगे। बस ये देखो भाई ड्यूक भागे जा रहे हैं भाई सुरंग की तरफ। भाई ड्यूक भगाता भगाता ले आया हमें, इन पेड़ों के बीच में भगाता लिया भाई। किस साइड था रास्ता? यहाँ से सीधा रास्ता निकलेगा। पक्का पक्का पता रास्ता? पिछली बार आया। सो गाइस अभी ना भाई सुरंग की साइड जा रहे हैं, किसी को कुछ दिखाई देना भाई बता देना। डर लग रहा है जो सामने में लाइट मार रहा हूँ। यहाँ बताया था बलजीत अंकल ने कुछ बैठा हुआ, यहाँ से लेके ना भाई वहाँ तक गया था, व्हाइट कलर का कुछ। ये देखो भाई बिल्कुल ही आगे आगे जा रहे, पता नहीं इसको दिख क्या रहा है, बिल्कुल अपना शिकार ढूंढ रहा है। ये देखो भाई सबसे आगे ना ड्यूक है। डर लग रहा है, डर लग रहा है, सुनसान हो गया ना ज्यादा, कोई बाहर मोरने के लिए बैठ रहा है। अजीब सा महसूस हो रहा है, अजीब सा महसूस हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है जल्दी। चाची लेके जा सकते हो आगे तक? क्योंकि बच्चे हैं सारे, लग रहा है आसपास कुछ तो है। चलो चाची चलो भाई, ये लोकेशन का ध्यान रखना भाई, आगे से हमने थोड़ा कट लिया है। हाथ मारा पीछे से किसी ने। किसने मारा? सच में झूठ बोल रहा है, कसम से कोई हाथ मार के भाग गया। सबसे पीछे था क्या तू? मैं पहले कह रही थी ना, मैंने कुछ महसूस हो रहा है, कसम से झूठ नहीं बोल रहा, मां कसम हाथ मारा किसी ने तो बीच में रहे। पौधा लग गया होगा भाई? नहीं नहीं पौधा वोधा, मुझे हाथ ही महसूस हुआ है। मारे क्या लगा कि ऐसे पीछे से कंधे पे ऐसे मार के? हम ऐसी आग मत जाओ। क्या हो गया? सच्ची में कहूं आग मत जाओ, सच्ची में कहूं आप मत जाओ, नहीं जाना
भैया क्या हो गया, रोंगटे खड़े हो गए क्या? मैं कहूँ सुरंग तक नहीं जाओगे क्या? नहीं जाना, उस तरफ मत जाओ, कुछ है मुझे भी फील हो रहा है, फील हो रहा है। मैं पूजा करूँ, मैं वहाँ पे लेडीज के होने का आभास हो रहा है, लेडीज के होने का आभास हो रहा है। चाची नहीं, रुक जा भाई, लाइट मत बंद होने देना, सच्ची बताओ। मजाक ना करे निकू, सच्ची में रोंगटे खड़े हो गए। मैं वैसे मैं सोची वीडियो के मारे कहूँ, कसम से कह रही हूँ, मैं उस तरफ फील होया भाई, मेरी एकदम धड़कन बढ़ गई। सुरंग थोड़ी सी दूर ना, बस थोड़ी सी दूर है सुरंग। पता क्या हुआ था, वहाँ से रोकने के लिए वहाँ बच्चों ने आवाज सुनाई दी थी, 40 फीट है, रिस्क नहीं लेंगे। रुक जाओ, क्या तू जा रहा है? ना ना, देख कुछ भी हो सकता है। चाची पूरा भरोसा था, देख ये देखो भाई, हमें वीडियो के मारे चलना है, मैं चल पड़ूंगी। एक अजीब सी धड़कन बढ़ना है, जब हाथ मार के तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, सच में लगा था, तेरे में लग रहा था, अभी भी कहां पर हूं अंदर से। गाइस तो मैं एक चीज बताता हूं, मतलब लोग अपनी वीडियो में कुछ भी दिखाते हैं, मेरे को नहीं पता भाई, फेक बनाते हैं सच बनाते हैं, पर ये एक्सपीरियंस रियल एक्सपीरियंस है। थोड़ा ध्यान से सच्ची बता, कसम खाओ, कसम पक्का, सच में दिखे, सच में ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे हाथ रख के और भाग गया। अभी क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है, तुरंत देख ही आता दूर से, भागना पड़ेगा, कोई सामान मत गिरा देना। गाइस हम ना भाई यहाँ पे आग जला रहे हैं ताकि ये चीज हमसे दूर रहे। ये बताऊं निकु, कसम से मतलब कोई लेडी जोन का आवास होया, मैं पानी बुझा के जाएंगे भाई, झाड़ यार इसको उठा, हम वहाँ पैदल जा सकते हैं लेकिन झाड़ यहाँ भाई बिल्कुल भरोसा नहीं है, जंगली जानवर रहता है, आत्मा का भरोसा। तो भाई जब हम यहाँ का रास्ता क्लियर करने आए थे ना दिन में, तो सुरंग तक तब भी नहीं पहुँच पाए थे हम, तब भी बच्चों को आवाज आ गई थी रोने की, तो आवाज देख रहा है तू नहीं देख रहा आवाज, ये अभी आई कुछ आवाज आ रही है, मानते को नहीं ना। चलो भाई चलो, ये जगह ना भाई दिन में आके देखनी पड़ेगी, कुएं तक तो हो आए थे हम। सो गाइस फिलहाल 12:30 बज गया है, और भाई हम सबने प्लान किया है कि भाई सुबह आएंगे एक बार यहाँ पे सुरंग के पास, दिन में आएंगे कल। जो ये धुआं कहाँ से आ रही है, दूर दूर तक तो कैमरा घुमा रहा हूँ, अगर कुछ दिखे ना तो बता देना भाई, बाकी एडिटिंग में दिख जाएगा। यहाँ पे तो कोई आग भी नहीं चल रही, चले घर पे लिया, यहाँ पे देखते रहना भाई। देखो कोई कांटे से रास्ता बन करके हमारा, ट्यूब को बचा के, पैर में कांटे लग जाएंगे, भाग गया कांटों में से, इतने ठंडी एरिया में पसीने आ रखे हैं। भैया क्या हो रही है, भैया चलो, हो गया आवाज आ रही है, रुक एक मिनट, चुप हो जाओ, कैमरे में सुनाने दो, उधर से कहीं से आ रही है। भैया चाची क्यों भाग रही है यार, रुक जाओ चाची, रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, पानी भी है, गिर जाओगे, बंद कर दो भाई, बहुत तेज आवाज आ रही है वहाँ से, सही होगा ना यार, फिर कर लेंगे यार, मम्मी कसम दो बार आई यार, दो बार आराम से नहीं थी, बहुत तेज आवाज थी, तेज चीख रही थी। मेरा फोन कहाँ है, सारे पैर धस गए, ये देखो भाई डुगना वापस भाग के जा रहा है, ओ भाई डुगना भाई वापस कुएं की तरफ भाग रहा है, चल भाई शिकार पास में करियो। अरे यूकू रिया ठीक है ना, तू तेरा क्या हाल है, देखिए चल धोले चलो, चल गाइस मेरे समझ में नहीं आएगी भाई मैं कैसे गिर गया। उधर टॉर्च मार के दिखा, हर जगह दूर दूर तक लाइट मार रही है, कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस तेरा? बहुत डर लग रहा है सच बता रहा हूं। So guys, finally जंगल से बाहर आ गए हैं, यहाँ पे ना सारे कुत्ते आधे रो रहे हैं आधे भौंक रहे हैं, जैसा एक्सपीरियंस आज हुआ है ना, मैं ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हुआ, सारे कुत्ते भौंक रहे हैं ड्यूक को देख के। अब गाइस मेरा पता क्या मन कर रहा है, अपनी सभी गैंग वाले भाइयों को बुला लूं, अभी जाके ना भाई जंगल में धावा बोल दूं, कल जरूर जाएंगे सुरंग के पास। ड्यूक कल चलेंगे दोबारा से, ठीक है, हम सब डर गए भाई, ड्यूक नहीं डरा बिल्कुल भी, ड्यूकू भाई ये मजाक में ले रहा है भाई, बताइए उसको, एक लेडीज की रोने की आवाज आ गई थी बहुत तेज तेज, भागते भागते ये हाल हो गया, एडिटिंग में पता चल जाएगा सारी चीज की भाई सच में आवाज आ रही है नहीं आ रही। चाची एक बार बता ना चीनू को क्या हुआ, मेरी आंख भर गई थी एकदम, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे भाई, रिया तो सदमे में है। सो गाइस भाई चाचा को तो ड्यूक ने थका दिया पूरा, चलो ठीक है चाचा भाई, ठीक है कल चलेंगे दिन में, बाय। गिर गया जंगल में, मैं सच्ची बताऊं, एक लेडी की रोने की आवाज आ रही थी जोर जोर से, सच में मुझे से गिनना, यार क्या बोला तूने, मुझे से गिनना, गजब बेइज्जती है। So guys, अभी 2:48 हो रहे हैं, और guys, रात को भाई हमने प्लान किया था कि गोस्ट हंटिंग जाएंगे ड्यूक के साथ। गाइस कुएं तक तो हम चले गए थे, कुएं से आगे जाने का ही प्लान था हमारा सुरंग के पास, जैसे ही भाई सुरंग के पास जाने लग गए ना अजीब ही माहौल हो गया था, मतलब पूरा माहौल चेंज हो गया था, मनीष को ऐसा लगा भाई इसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है, फिर आवाज आने लग गई थी, चाची को पूरा पूरा महसूस होने लग गया था, हिम्मत ही नहीं जाने की, और बाद में इतनी जबरदस्त आवाज आई थी दो बार रोने के लिए, आवाज तो आई थी। आधी एडिटिंग तो मैं कर चुका हूँ रात को, आते ही ना भाई मैं सीधा एडिटिंग में लग गया था, देखना चाहता था कि भाई कोई आवाज आ रही है या नहीं आ रही, वो तो भाई वीडियो में क्लियर आ गई। और गाइस जब हम सुबह गए थे ना तब भी भाई सुरंग के पास नहीं जा पाए थे, इस बार भी सुरंग के पास नहीं जा पाए हम ना भाई, कल जाएंगे भाई ड्यूक को लेकर गोस्ट हंटिंग करने, दिन में पहले दिन में क्लियर करके आएंगे भाई वहाँ पे है क्या। रात को तो गाइस मेरे को बिल्कुल भी सेफ नहीं लगा, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर और रुक जाता ना वहाँ पे तो किसी ना किसी के साथ बुरा हो जाता वहाँ पे, घबरा गए थे सब। गाइस इतना एक्सपीरियंस मेरे को कभी भी नहीं हुआ जितना एक्सपीरियंस कल हो गया था रात को। बाकी गाइस ड्यूक भाई
कर ही नहीं रहा था और भागे जा रहा था आगे जाके, पूछना बिल्कुल खड़ी थी ड्यूक की, कुछ नीचे भी नहीं हुई भाई उसकी। गाइस अगर ड्यूक के हिसाब से चलते ना आगे ले जाता मैं बिल्कुल सुरंग के अंदर, डर भी नहीं रहा था, ड्यूक वापस उसी साइड जा रहा था और हम भाग के इस साइड आ रहे थे। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, कल हम जाएंगे भाई ड्यूक के साथ घोस्ट हंटिंग करने दिन में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निक्कू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।